कश्मीर यूनिवर्सिटी की पेशकश, कश्मीर यूनिवर्सिटी रेडियो डाइजेस्ट। कश्मीर यूनिवर्सिटी रेडियो डाइजेस्ट के सामईन को पेश करो मेज़बान तारिक अब्दुल्ला खावर का खुलूस भरा सलाम। आज के शुमारे के मौजूआत: शोबे फिजिक्स के एहतमाम से ट्रांजिट ऑफ मरकरी तकरीब का खुलासा, शोबे रियाजी के एहतमाम से दो हफ्तों पर मुहित फील्ड थियरी प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब का जायजा, और जर्मनी के मंदुबीन का यूनिवर्सिटी तलबा के साथ तबादला ख्याल। सामईन, पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में शोबे फिजिक्स ने पब्लिक आउटरीच एंड एजुकेशन कमेटी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के इश्तराक से ट्रांजिट ऑफ मरकरी के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया। यूनिवर्सिटी लॉन्स में दो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स नस्ब किए गए थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से इस तकरीब को कन्वोकेशन कम्प्लेक्स के लॉन्स से इब्न खलदून ऑडिटोरियम में शिफ्ट कराना पड़ा और राज्यसभा टीवी से बराह रास्त ट्रांजिट ऑफ मरकरी दिखाया गया। तकरीब का मुशाहिदा करने के लिए मुल्क के मायनाज माहिर फल्कियात, दानिश्वरों और तलबा ने शिरकत की। ट्रांजिट ऑफ मरकरी तकरीब के अलावा शोबे फिजिक्स के ही एहतमाम से 34वीं एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब कन्वोकेशन कम्प्लेक्स में मुनाकिद की गई, जिसकी सदारत रियासत के गवर्नर और यूनिवर्सिटी के चांसलर जनाब एनएन वोहरा ने अंजाम दी। इस मौके पर सदर शोबे फिजिक्स प्रोफेसर मंजूर अहमद मलिक ने खुतबा इस्तकबालिया देते हुए एस्ट्रोफिजिक्स के मैदान में भारत के रोल का तज़किरा किया। The first multi-wavelength astronomy satellite, Astrosat, was launched by Indian Space Research Organisation in September 2015. I mean, well after the last ASI meeting held in Pune. So, in an ASI meeting, this is the first time that the Astrosat science results are being discussed. So that is again another first. All of you are aware of the numerous achievements of ISRO that has placed India well ahead of all Asian countries in space exploration. India has the distinction of being the first country to reach the orbit of Mars in its debut attempt. मौजूदा दौर को इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स के लिए सुनहरी दौर करार देते हुए एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रोफेसर अजीत खेम्बावे ने एस्ट्रोफिजिक्स के मैदान में हालिया कारकर्दगियों और मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में जानकारी दी। There is unbelievable amount of participation in very large projects. So India is now an esteemed member of the 30 meter telescope project of the square kilometer array and is going to set up a LIGO India detector here on our own soil. There are a number of other projects. Astrosat is up in space thanks to ISRO and all the people who made the beautiful instruments for it. There is another satellite called Aditya which will sit at the distant Lagrangian point of the solar system and observe the sun using an amazing array of instruments. The Indian based neutrino observatory is expected to go into action quite soon. इफ्तिताही तकरीब के मौके पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चेयरमैन डॉक्टर किरण कुमार, जो कि तकरीब के मेहमान खसूसी थे, ने इसरो की जानिब से लॉन्च किए गए एस्ट्रोसैट के बारे में तफसीली जानकारी दी। इसरो आल्सो हैज बीन ट्राइंग टू पुट इन ऑब्जर्वेटरीज इन स्पेस एंड वन ऑफ द एग्जांपल्स इज व्हाट वाज मेंशनड एस्ट्रोसैट व्हिच वाज पुट इनटू ऑर्बिट लास्ट ईयर। What space provides for observation, celestial observations beyond, it takes away the atmosphere in between and gives you tremendous opportunity to improve the observation capabilities. And in the country, this astrosat, what has been put into orbit, has seen the development of various instruments built by our academic institutions, whether it is Tata Institute of Fundamental Research, Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics. What we intend to provide for this astrosat is also opportunity to the research community by offering them specific observation time, which very soon is going to be made available. यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर खुर्शीद इकबाल अंद्राबी ने इस मौके पर एस्ट्रोफिजिक्स के हवाले से यूनिवर्सिटी में हो रही पेशरफ्त के बारे में अपने तासुरात पेश किए। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, लाइक अदर साइंस डिपार्टमेंट्स, इज अ वेरी वाइब्रेंट डिपार्टमेंट दैट हैज अ लेगेसी ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स दैट डेट्स बैक टू अर्ली 80s.
And the legacy set forward by Professor Farooq, who himself is a member of International Astronomical Union from 1985, started doing excellent research in astrophysics with some of the pioneering publications in Astrophysical Journal and so on and so forth. He was the one who established collaborations with Cambridge and the rest of the country to bring all astronomers of the country and the world together. Vice Chancellor ne 34th Astronomical Society of India conference ke inqaad ke liye shobay physics ko mubarakbad pesh ki. Iske ilawa astronomy ke shobay mein ISRO ke jandar role par unhone apna nuqtay nazariya pesh kiya. Annual meeting of Astronomical Society of India doesn't get any better to have the man himself, ladies and gentlemen, the ISRO chairman, to be the chief guest of the occasion. Professor Kumar has been an eminent scientist and an engineer par excellence. With his contributions, perhaps he was instrumental, if I'm correct, in design and development of thermal infrared spectrometer and methane sensors that saw the success of the Mars mission of India, the Mangalyaan. We're also honored to have with us Professor Kambhave, who himself is a Hari Om Award winner and the member of the two Academies of Sciences. Professor Manzoor Malik, I must congratulate him and his colleagues for the work well done to put this all together with the kind of enthusiasm shown by students who were here in overwhelming numbers to see the transition of Mercury. University ke chancellor aur riyasat ke governor janab NN Vohra ne Kashmir University ko is naviyat ki science conference munakkid karane par tareef ki. I compliment once again Professor Ravi, Professor Manzoor Malik and all his colleagues for having taken the initiative of organizing this meeting. But I'm very happy today that Professor Ravi in the last 2 years has now once again started giving the impetus, the incentives which are required to move science forward and for the university to achieve those levels of excellence which we rightly deserve. उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस नवीयत की कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद से कश्मीर यूनिवर्सिटी दुनिया भर में साइंस के मैदान में अपना नाम पैदा कर सकती है। This particular important scientific event is also associated with certain outreach activities, programs, which will benefit the students of Kashmir, the faculties, the teachers in our schools and colleges in the valley, and certain educational workshops are being carried out, which will enlarge awareness, increase interest and make a growingly larger number of our young boys and girls come forward to pursue the scientific stream. Is mauke par ASI ne shobay physics ke sabiq sarbara professor Farooq Ahmed ko astrophysics ke maidan mein unki numaya karkardagi ke aitraaf mein aiza se nawaza. शोबे के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नसीर इकबाल ने निजामत के फराइज अंजाम दिए जबकि डॉक्टर सज्जाद मसूद ने शुक्रिया की तहरीक पेश की. ही मौज कशीरी। सामईन पिछले दिनों शोबे रियाजी ने नेशनल सेंटर फॉर मैथमेटिक्स मुंबई के इश्तराक से फील्ड थ्योरी के उन्वान पर 2 हफ्तों पर मुहित ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया. इब्तदाई तकरीब EMMRC ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई और तकरीब के लिए इंस्ट्रक्शनल स्कूल्स फॉर टीचर्स ऑन फील्ड थ्योरी 2016 के मौजू का इंतखाब किया गया. इस मौके पर सदर शोबे रियाजी प्रोफेसर पीरजादा शरीफुद्दीन ने खुतबा इस्तकबालिया देते हुए कहा कि इस नवीयत के वर्कशॉप तलबा और स्कॉलरों की तालीमी काबिलियत संवारने में अहम रोल अदा करते हैं. And the quality research. We have been successful to some extent, but we cannot say this is all. Still, we have to do much more work in this direction. And secondly, the department or the university is always known by its quality research. वर्कशॉप के कन्वीनर प्रोफेसर एम ए सोफी ने कहा कि मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी की आमद से असातिज़ा को चैलेंज का सामना है. If the student is good, if he is motivated, so what he does before he goes to the class next day, he accesses a YouTube lecture by a distinguished mathematician in Harvard or Princeton. So it gives him some insight into that subject. So the next day he comes, and teacher, who knows that this student knows more than I know, the teacher has to now act out of the skin in order to satisfy his curiosity. So the job of the teacher becomes far more difficult here in this case. इस मौके पर पुणे यूनिवर्सिटी से वाबस्ता प्रोफेसर एस ए काटरे ने नेशनल सेंटर फॉर मैथमेटिक्स मुंबई के रोल पर अपने ख्यालात पेश किए. इट इज नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू द
current teaching that they are doing even at the undergraduate level. Therefore, if the teachers know more about the subject and in fact the experience that they have gained while teaching, that itself is helpful to them to learn more things. That is the idea of these ISTs. डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर एम ए वानी ने इस मौके पर कहा कि असातिज़ा को ईमानदारी और फर्ज शिनासी से तलबा की काबिलियत को परखना चाहिए। We do for some time assess the teachers, but what is the follow-up action? There is no follow-up action. Even if somebody's performance is not satisfactory, no action is being taken unless there is accountability, unless the performance as a teacher is linked with promotion. Unless the performance of the teacher is linked with the release of increments, unless finally it is linked with showing the door to the incompetent teacher who is simply ruining the career of our future, till then you should not expect the things will set right. शोबे के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद खांडे ने तकरीब की निजामत के फराइज अंजाम दिए, जबकि डॉक्टर जी एच गुलजार ने शुक्रिया की तहरीक पेश की। सात रोजा वर्कशॉप के इनेकाद का मकसद कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में तायनात असातिज़ा को फील्ड थ्योरी के मैदान में नए रुझानात के बारे में आगही दिलाना था। सामईन, पिछले दिनों DFG नई दिल्ली के डायरेक्टर की सरबराही में एक जर्मन वफद ने यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ तबादला ख्याल किया। यूनिवर्सिटी के सीनियर उस्ताद प्रोफेसर GM शाह ने मेहमानों का तारुफ देते हुए जर्मनी के वफद को कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ कई इश्तराकी प्रोग्राम्स कराने की सलाह दी। इन दीज प्रोग्राम्स वी हैव टू सम एक्सटेंट सक्सीडेड इन हैविंग दीज प्रोग्राम्स विद सो मेनी इंस्टीट्यूशंस विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री. Since the delegation from the Germany is here, it will be a great honor for us if we have some sort of collaborative program, say by way of exchange of students, research scholars, faculty members from Germany to this place and from our students to that place. इस मौके पर DFG नई दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर अलेक्जेंडर हैंसेन ने तालीमी शोबे में तहकीक और तदरीस की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की फलाह बहबूद के लिए ख्यालात का तबादला इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। In Germany there are 80 million people and in China there are 1.3 billion people. Then this tells you something about efficiency. And therefore this can only be done if new ideas are developed. For new ideas you need to have an excellent education and you need to have an excellent research base. इस मौके पर डीन रिसर्च प्रोफेसर शेख जावेद अहमद ने मेहमानों को यूनिवर्सिटी में हो रहे तहकीक और तहकीकी मराकज के बारे में जानकारी दी। We have some major research programs in cancer biology and also in geology. We have some very active research group in physics and in also in other areas. Let me also share here that last year we have registered some 400 students for PhD program. Out of that 250 are females. These things doesn't happen even in the Europe or United States, and so this is something I'm proud about of this university. इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। इजाजत लेने से पहले अहले दानिश का कौल, दूसरों के अच्छे होने का इंतजार मत करो बल्कि उन्हें अच्छा बनकर सिखाओ कि अच्छा इंसान कैसा होता है। अगर दोनों तरफ निभाने की चाहत हो तो कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। पेश करो मेज़बान तारिक अब्दुल्ला खावर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर। सामईन, आपको हमारा आज का शुमारा कैसा लगा? हमें अपनी आरा और तजावीज़ से नवाजते रहिए। हमारा पता है कश्मीर यूनिवर्सिटी रेडियो डाइजेस्ट, मौरिफत डायरेक्टर, EMMRC, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर। पिन नंबर 1900006। इसके अलावा आप अपनी तजावीज़ ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है KU Radio Digest @gmail.com।